चलिए, तो वी आर लिविंग बिकॉज अवर हार्ट इज वर्किंग, राइट? ठीक है, टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? इफ हार्ट डज नॉट वर्क, एवरीथिंग, एवरी फंक्शन ऑफ अवर बॉडी स्टॉप्स. यू नो दैट क्लिनिकल डेथ इज स्टॉपिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ हार्ट, है ना? अगर हार्ट जो है काम करना बंद कर दे तो हम कहते हैं पर्सन इज डेड, क्लिनिकली डेड. ठीक है, ठीक है. व्हाई वी से, हार्ट तो सिर्फ पंप कर रहा है ब्लड, बॉडी में ब्लड भी है, बॉडी में लंग्स भी है जो ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, तो हार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एनीबॉडी? यस, हु कैन टेल? यस, देयर इज वन स्टूडेंट इन बी सेक्शन. हाँ बोलिए बेटा, खड़े होके. हाँ जोर से बोलना है ना, आवाज आ नहीं रही बेटे. यहां से ना एक प्लस का साइन होगा, प्लस वाला साइन दबाओ इसमें माइक में, ताकि आवाज आप मेरी आपकी आए मुझे. हाँ जोर से बोलो. हाँ, बिकॉज हार्ट पंप्स द ब्लड. देखो, अगर आपके पास, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, इफ यू हैव रिवर नियर बाय, ठीक है, बट इफ यू डोंट हैव ए पंप टू टेक दैट वॉटर एंड सप्लाई टू द होल सिटी, देन सिटी विल बी इन ड्रॉट. वो कहेगा, वो तो अलग बात है कि वहां जाके काम कर लेंगे, बट अगर सिटी में लोग अपने घरों में है, ठीक है, कोविड आ गया, बाहर निकल नहीं सकते, और जो वहां पे पंप है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, या वो बंद हो गया है जो रिवर से पानी को सब घरों में पहुंचा रहा था, वट विल हैपन, है ना? पीपल वोंट गेट वाटर, देयर विल बी ड्रॉट, है ना, सूखा पड़ जाएगा. यस और नो? चाहे रिवर वहां, लाइक वाइज इन अवर बॉडी ऑल्सो ब्लड इज देयर, ऑक्सीजनेशन भी हो रही है, बट ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचेगा? इट इज ओनली वेन द हार्ट पंप्स ब्लड. अगर हार्ट कम नहीं कर रहा तो ब्लड जहां पर है वहीं पर ही रुक जाएगा, और अगर रुक जाएगा तो काम कैसे होगा, क्योंकि उसमें CO2 तो रेगुलर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और धीरे धीरे बाकी सब ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं. इज इट राइट? बट कुछ टाइम तक ऑर्गन्स जो है वो लिविंग रहते हैं जब तक उसमें ऑक्सीजन रहती है. यू नो दैट कि हम डेथ के बाद हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं 6 घंटे के बीच में. विद इन 6 आवर्स वी कैन टेक द पर्सन किडनी, अगर वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसकी किडनी लेके हम किसी दूसरे को लगा सकते हैं. तो बाकी के ऑर्गन्स कुछ कुछ टाइम तक जो है वो लिविंग रहते हैं, वी कैन यूज देम, बट ऐसा नहीं कि हमेशा वो जिंदा रहेंगे, एंड वी कैन यू नो आर्टिफिशियल हार्ट लगा के हम किसी इंसान को जिंदा कर सकते हैं. नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल अभी तक तो. इज इट राइट? सो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, एंड विदाउट द पंपिंग ऑफ ब्लड द ब्लड कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, राइट? राइट, दैट्स व्हाई हार्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट. बट इन प्लांट्स, राइट, ट्रांसपोर्ट तो प्लांट्स में भी हो रहा है. किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वॉटर का. एवरीबडी हियर? हाँ जी, 7C वाला जो सेक्शन है, इधर बेटा लास्ट बेंच पे बॉयज जो है, ध्यान इधर, है ना? जो मैं बोल रही हूँ वो सीधा माइंड में जाना चाहिए, इधर कान से गया या इधर से गया, उससे सीधा ब्रेन का कनेक्शन होना चाहिए, इधर से इधर नहीं निकलना चाहिए. एंड आई एम नॉट सेइंग समथिंग विच इज गोइंग अबव योर हेड, ऐसा भी नहीं है, तुम्हारे मतलब की चीज बता रही. सो इन प्लांट्स देयर अकर्स ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट यहां से भी हो रहा है और यहां से भी हो रहा है. ऊपर क्या जा रहा है? वॉटर एंड मिनरल्स. नीचे की तरफ क्या आ रहा है? फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड स्टेम. सो ट्रांसपोर्ट इज अ, जो नीचे आ रहा है, वी से लेट सपोज इट इज अकरिंग विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नीचे को खींच रहे हैं तो खाना यहां आ गया, बट देयर इज नो पंप. सो हाउ द फूड, सॉरी, हाउ द वॉटर एंड मिनरल्स, दे आर गोइंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी, ऑल दो देयर इज नो पंप, देयर इज पंप पुश करता है. याद रखना है, पंप क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें,
लेट अस से हम जो है, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, स्टेशनरी है, बट आई एम पुशिंग इट, है ना, आगे को धकेल रही हूं, है ना, पुल नहीं, और पुल क्या है, इसको मैं खींच रही हूं। डू यू नो पुश एंड पुल? क्या किसी को जब आपने आप फ्रेंड को धक्का मारते हो, व्हाट इज दैट? किसी दोस्त को, किसी लड़के को, किसी लड़की को जब धक्का मारते हो, इज इट पुश और पुल? पुश। बट अगर एक अपने फ्रेंड को आप खींच के लेके जाते हो, चल मेरे साथ चल, हमने फलानी मैम से मिलके आना है, इज इट पुल और पुश? पुल। दोनों से ट्रांसपोर्ट होता है, पुल से भी ट्रांसपोर्ट है, पुश से भी ट्रांसपोर्ट है। जो ब्लड हमारा है, द हार्ट, इट पुशेस द ब्लड, राइट? पुश करते हैं ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को बाहर भेज रहा है, फोर्स से बाहर भेज रहा है, और ब्लड हमारी सारे ऑर्गन्स में जा रहा है थ्रू ब्लड वेसल। बट ऐसी कोई पुशिंग फोर्स प्लांट्स में नहीं है, ठीक है? कैसे हम वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर पुश करें? कोई ऐसी फोर्स नहीं है, कोई हार्ट नहीं है, कोई पंप नहीं है। नाउ टेल मी, आपने ये चैप्टर कर चुके हैं आप, नाउ टेल मी एनीबडी कि हाउ द वॉटर एंड मिनरल्स आर मूविंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी इवन दो देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन। लिखो जरा, क्वेश्चन लिखिए। हाउ डू वॉटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इवन दो मीन्स ऑल दो या इवन दो देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन इन प्लांट्स। यस टेल मी, हु इज गोइंग टू टेल मी? सी वाले सेक्शन खत्म कर चुके हो आप ये चैप्टर? बेटा जल्दी से बताओ। हाँ जी, देयर इज वन स्टूडेंट इन सी। आ जाओ आगे, आ जाओ। मैं वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय अ पुल नोन एज सक्शन पुल। सक्शन पुल, बिल्कुल ठीक है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्या है वो सक्शन पुल? कहां पर एग्जिस्ट करती है वो? चलिए, वेरी गुड, आपने ये तो बताया मुझे, वेरी गुड, सिट डाउन। एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन बी और सेक्शन सी, मतलब जहां पर ए वाले भी बैठे हैं? यस, देयर इज वन स्टूडेंट इन सेक्शन बी। आ जाओ बेटा। बेटे इस सेक्शन में ना जरा वहां कर्टेंस करो, स्टूडेंट खिड़की में ना कर्टेंस कर दो, ताकि हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जोर से बोलो थोड़ा सा। बेटा मुझे ना थोड़ी सी आपकी, थोड़ा सा नीचे इसकी ना प्लस वाली वॉल्यूम बढ़ाओ जरा, आगे ही है। हाँ देर इज इट वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट, बिल्कुल ठीक है, जाइलम एंड फ्लोइंग। बैठो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, ये भी आपने बताया। चलिए, पहले इससे पहले, इस क्वेश्चन के आंसर से पहले, हम लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय सैप, व्हाट डू यू मीन बाय असेंट? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सैप? सैप का मतलब पता है, यस और नो? सुना है कि नहीं? हाँ जी, सी वाले सेक्शन वाले, हैव यू हर्ड अबाउट सैप? यस और नो, सब इकट्ठे बताओ। बी वाले, हैव यू हर्ड? जिस जिसने सुना है रेज योर हैंड्स।
हाँ कुछ बच्चों ने सुना है, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए फिर से आप क्या है। यस द सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एज सैप। वेरी गुड, एवरीबडी शुड नो नाउ, है ना। लिखो सारे, पहले हम ये लिखेंगे कि सैप क्या चीज है। राइट डाउन। सोल्यूशन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स। नाउ टेल मी, इफ समबडी इज गोइंग अप द हिल, व्हाट वी से, असेंडिंग द हिल की डिसेंडिंग द हिल। असेंडिंग द हिल, ऊपर जा रहा है। असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है। 0 से 100 इज असेंडिंग। उसी से वर्ड आया है असेंट। असेंट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट। लिखिए एवरीथिंग यू हैव टू राइट। अपवर्ड मूवमेंट, राइट। एंड देन देयर इज द टर्म असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप, यहीं से आप कर सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। जाइलम यू नो, इट्स ए वेस्कुलर टिश्यू। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। ठीक है जी, डन बेटा। नाउ देन देयर इज वन मोर टर्म, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ये एयर है, लेट अस से एयर। मैं ये सिर्फ एज्यूम कर रही हूं, है ना। एयर में देयर आर प्रेजेंट 5 H2O मीन्स वॉटर वेपर्स। एयर में वॉटर वेपर्स तो है, बट 5 ही वॉटर वेपर्स है। और ये एक ट्री है जिसमें बहुत सारे लीव्स है। इन लीव्स में देयर आर, हर लीफ में देयर आर प्रेजेंट 25 वॉटर वेपर्स। आपने प्लांट को पानी दिया है, इसलिए लीव्स जो है हरे भरे है, एंड दे हैव 25 वॉटर वेपर्स। किसमें पानी की कमी है, एयर में कि लीव्स में? जोर से बोलो। एयर में, एयर इज डेफिशिएंट ऑफ यू नो वाटर। सो व्हाट विल हैपन, सो एयर इज डेफिशिएंट ऑफ वाटर। यहां पे एयर में 5 वाटर वेपर्स है। एयर हैज लेस ऑफ वाटर। और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डेफिशिएंट। आपको टर्म ना यूज करें तो आप लेस लिख सकते हो। डेफिशिएंट ऑफ वाटर एज कंपेयर्ड, किसी के कंपैरिजन में ही हम बात करेंगे, एज कंपेयर्ड टू लीव्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग दिस। सेकेंड इज देयर इज हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई।
Therefore, due high temperature, water in leaves changes into vapors and are and move in air. लीव्स में से पानी चल के बाहर नहीं जा सकता. दे हैव टू बी कन्वर्टेड इन टू गैसियस फॉर्म. फॉर दैट गैसियस फॉर्म टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, राइट? एंड दिस प्रोसेस The process of loss of water in form of vapors from leaves to air is called as transpiration. Is called as transpiration, है ना? हिंदी में बोलो, इंग्लिश में लिख लो. आई थिंक यू कैन इजीली राइट एवरीबडी. एंड ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, सीधा क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसपीरेशन. कंडीशंस फॉर ट्रांसपीरेशन, यू कैन सी हियर, कंडीशंस फॉर ट्रांसपीरेशन, क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो एयर ड्राई होनी चाहिए, उसमें वाटर वेपर्स नहीं होने चाहिए या कम होने चाहिए, राइट? सो फर्स्ट इज ड्राई एयर, सेकेंड इज हाई टेम्परेचर. रात के टाइम एयर चाहे ड्राई है चाहे वेट है, जैसे मॉइस्ट एयर है या ड्राई एयर है, रात के टाइम ट्रांसपीरेशन नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है. वॉटर इन द प्लांट्स इज नॉट चेंज्ड इनटू वेपर फॉर्म, राइट? तो ट्रांसपीरेशन कब होती है? ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है जी? कंडीशंस एंड नेक्स्ट आ जाता है साइट ऑफ ट्रांसपीरेशन. होती कहां पे है ट्रांसपीरेशन? लीव्स में तो होती है, बट कहां से होती है? बोलो जरा जल्दी से. वेरी गुड, वेरी गुड. साइट ऑफ ट्रांसपीरेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, कंडीशंस फॉर ट्रांसपीरेशन एंड साइट फॉर ट्रांसपीरेशन. इट इज स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन, रिमेंबर दैट, लोअर, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स. अंडरलाइन करो इसको, लोअर सरफेस, नीचे लीव्स के नीचे वाले सरफेस पे मैक्सिमम स्टोमेटा होते हैं. तो फ्रॉम विच सरफेस ऑफ लीव्स ट्रांसपीरेशन इज टेकिंग प्लेस? लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. क्वेश्चन जरूर आना है, लिख लो, राइट डाउन, यहां पे स्टार डालो और ऊपर लिखो एग्जाम क्वेश्चन. कहां से ट्रांसपीर, जहां पे स्टोमेटा होंगे वहीं से ट्रांसपीरेशन होगी ना. क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि स्टोमेटा कहां पे मैक्सिमम है, ये भी आ सकता है, बट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है
From which surface of leaves maximum transpiration is taking place? Lower surface. ये MCQ में, but subjective 2 marks में क्वेश्चन आ सकता है. Why transpiration is more on the lower surface of the leaves? Because it has more number of stomata. Is it okay? ठीक है. तो बड़े क्वेश्चन में ये आई होप आपने लिख लिया है. इस सारे का क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. राइट डाउन द क्वेश्चन. आंसर मैंने आपको सारा लिखवा दिया है. क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज डिफाइन ट्रांसपीरेशन. एक्सप्लेन, जो मैंने प्रॉपर पॉइंट बताया आपको कि एयर ड्राई है, लीव्स में ज्यादा है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. राइट टू कंडीशंस फॉर ट्रांसपीरेशन. व्हाई ट्रांसपीरेशन अकर्स मोर फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ लीव्स? तो आप यहां पे आंसर लिख सकते हैं, एज देयर आर मोर स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स. और एक और क्वेश्चन है, व्हाई ट्रांसपीरेशन अकर्स ड्यूरिंग डे ओनली? व्हाई ट्रांसपीरेशन अकर्स ड्यूरिंग डे ओनली? रात में नहीं होती. इसके दो आपने आंसर्स लिखने हैं. लास्ट वाले के आपने दो रीजंस है. फर्स्ट इज लो टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट. एंड सेकेंड इज स्टोमेटा गेट क्लोज ड्यूरिंग नाइट. स्टोमेटा गेट क्लोज ड्यूरिंग नाइट. रात के टाइम स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो ट्रांसपीरेशन कैसे होगी? डन बेटा. अब बात, आपने ये क्वेश्चन लिख लिया है, हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड. इसकी दूसरी फॉर्म एक और आ जाती है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सैप.
Ascent of sap is upward movement of water and minerals. How it occurs without pumping organ? तो अब पहले समझना है, फिर हम लिखेंगे। ये प्लांट है, ये रूट्स है, ठीक है, और यहां पे लीव्स है। Now what is happening? यहां से वॉटर वेपर्स जा रहे हैं। वॉटर इज मूविंग इन द एयर फ्रॉम लीव्स। Now what will happen? वॉटर, सॉरी, लीव्स, लीव्स गेट डेफिशिएंट ऑफ वॉटर। किसके कंपैरिजन में हुआ ये कि दोनों में, एयर में भी लेट अस से कुछ ऐसे हम करते हैं कि 15 वाटर वेपर्स हो गए और लीव्स में भी 15 वाटर वेपर्स हो गए। पहले 25 और 30 थे, 25 या 30 वाटर वेपर्स थे, अब दोनों इक्वल हो गए एयर में और लीव्स में। वो तो ठीक है, बट लीव्स रिक्वायर मोर वॉटर फॉर फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर या लीव्स गेट डेफिशिएंट ऑफ वॉटर। यहां पे अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम में ज्यादा पानी है, नीचे से आया है ना, यहां पर अभी भी 30 वॉटर वेपर्स है। सो लीव्स गेट डेफिशिएंट ऑफ वॉटर एज कंपेयर्ड टू स्टेम। देयरफोर लीव्स, ध्यान से देखना है, लीव्स पुल वॉटर। फ्रॉम स्टेम, ये नहीं कि पहले ये होगा, ये सारी प्रोसेस इकट्ठे ही चलती है, ठीक है, बट ये मैं बता रही हूं कि क्यों ऐसे कैसे ऊपर के जा रहा है। लीव्स पुल वॉटर फ्रॉम स्टेम। नाउ सेकेंड क्या हो गया? नाउ स्टेम गेट्स, अब लीव्स और स्टेम में इक्वल हो गया, बट स्टेम में भी तो कम हो गया ना पानी एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। नाउ स्टेम गेट्स डेफिशिएंट ऑफ वॉटर एज कंपेयर्ड टू रूट्स। देयरफॉर स्टेम पुल्स वॉटर फ्रॉम रूट्स और फिर रूट्स में कमी आ गई। एंड वी से अल्टीमेटली नॉट ओनली वॉटर बट मिनरल्स ऑल्सो, अल्टीमेटली रूट्स एब्जॉर्ब या पुल्स आप कह सकते हैं, एब्जॉर्ब वॉटर फ्रॉम, यू नो, फ्रॉम सॉइल। एंड रिमेंबर दैट अलोंग विद वॉटर मिनरल्स आर ऑल्सो मूविंग अप, मिनरल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड। थोड़ा सा पहले सुनो फिर लिखना। तो अल्टीमेटली हम क्या बात कर रहे हैं, दस इट इज ट्रांसपीरेशन पुल। अगर ट्रांसपीरेशन रुक जाएगी, अगर लीव्स में से वाटर लॉस रुक जाएगा,
तो पानी ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, राइट? सो इट इज द ट्रांसपीरेशन पुल और सक्शन पुल। ट्रांसपीरेशन को सक्शन भी कह देते हैं। सक्शन पुल विच कॉजेस असेंट ऑफ सैप। ठीक है, इन ह्यूमंस, इन एनिमल्स देयर इज पुश विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, वेयर एज इन केस ऑफ प्लांट्स देयर इज पुल विच हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप। एंड व्हाट इज दैट पुल? दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल, राइट? लिख लो, अब स्टेप वाइज लिख लो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ असेंट ऑफ सैप। तो यहां पे हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ए पॉइंट है ट्रांसपीरेशन और लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम लीव्स। उससे क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, फिर सेकेंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, और फिर फाइनली वो। एवरीबडी, 5 मार्क्स क्वेश्चन ये आ सकता है, जल्दी से क्विक लिख लो, बिल्कुल इसी तरह से ही लिखना है। डेफिशिएंट ऑफ वॉटर, यहां पे एच टू मैंने लिख दिया, एच टू ओ, एच टू ओ इज वॉटर, यू मस्ट बी नोइंग। अगला टेस्ट आपका संडे को जो है वो इसमें से हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में से। ये नहीं बनाना, आपने ट्री नहीं बना लेना, ये तो मैंने वैसे ही आपको दिखाया है। करें बेटा आगे करें। ओके, किसी का रह गया हो तो बेटा अपने फ्रेंड से जरूर नोट कर लेना, नहीं तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड है। के एडुकॉन ई लर्निंग यूट्यूब पे जाओगे, के एडुकॉन ई लर्निंग वाले, उसमें आपको ये लेक्चर आज का मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। रिमेंबर दैट जो मैं यहां आपको बताना चाह रही हूं कि, चलिए आप मुझे बताना। इनफैक्ट वेस्कुलर टिश्यू विच हेल्प्स इन
Ascent of sap is. Yes, tell me. यस yes, कौन बताएगा मुझे? सेवंथ ए सरबजोत सिंह. नहीं है सरबजोत, कैसे एब्सेंट है. आ गया आ गया. यस टेल मी विच वेस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप. इट इज जाइलम. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. इट इज जाइलम. एंड रिमेम्बर दैट, फिर एक स्टार लगाओ. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है. ठीक जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल. एक ही डायरेक्शन में है. यूनि का मतलब वन डायरेक्शन ओनली. यूनिडायरेक्शनल दैट इज फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड्स. लीव्स एज स्टेम है, ऊपर की तरफ जा रहा है. यूनि का मतलब वन डायरेक्शन. डन. नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन ये हम स्पेसिफिक टर्म दे देते हैं बेटा. इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम. व्हाट इज फ्लोएम? जैसे जाइलम वेस्कुलर टिश्यू है, ऐसे फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू है. ठीक है जी. रिमेम्बर यहां पे मैंने ये नहीं लिखा कि फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ऐसा क्यों नहीं लिखा? लीव से ही तो करता है. बट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज बाय डायरेक्शनल. अंडरलाइन करो इसको, स्टार डालो. एवरीबडी टीचर्स चेक करेंगे, लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये आ जाता है. वाई बाय डायरेक्शनल बेटा. जब मार्च अप्रैल है, लीव्स हरे भरे हैं, ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे कहेंगे? फेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल मीन्स जो प्लांट के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस. देन फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू स्टेम एंड रूट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फूड स्टोर्ड इन रूट्स. नेक्स्ट क्या हो जाता है? अब क्या हुआ? ध्यान से सुनो. विंटर्स आ गई. लीव्स आर शेड. ओके पत्ते झड़ गए, पतझड़ हो गई. नेक्स्ट फिर क्या आया? नेक्स्ट स्प्रिंग. ध्यान से समझना ये बच्चों को बहुत 11th 12th में भी नहीं पता चलता और आपको 7th में पता चल जाएगा. बाद में लिखना.
फर्स्ट लिसन टू मी, नेक्स्ट स्प्रिंग आया, फरवरी आई, ठीक है, वेरी स्मॉल लीव्स, वेरी स्मॉल लीव्स आर बोर्न, छोटे छोटे लीफ बर्ड्स आ गई है, इनफैक्ट छोटी छोटी पत्तियां आई है, विच कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। पीएस मैं लिख रही हूं, आपने पूरा लिखना है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, दे रिक्वायर फूड टू ग्रो इन साइज। पूरे पत्ते बनने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको खाना चाहिए। तो हाउ डू दे गेट फूड? रिमेंबर दैट। सो हियर फूड मूव्स फ्रॉम रूट्स टू यंग लीव्स। True flowing. जब बड़े बड़े लीव्स होते हैं तो खाना ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। जब पत्ते झड़ गए, छोटे छोटे से पत्ते आए, बेचारों को खाना नहीं मिल रहा, तो रूट्स कहती है, नो प्रॉब्लम, योर पेरेंट्स हैव गिवन अस द फूड, नाउ वी विल गिव यू फूड। तो रूट्स के थ्रू खाना ऊपर जा रहा है। सो इज इट बाई डायरेक्शनल? यस और नो? यस, जोर से बोलो, 10th 7th सी, यस है ना, कि खाना लीव्स में से, फेवरेबल कंडीशन में खाना ऐसे जा रहा है। जब अगली स्प्रिंग आई, छोटी छोटी लीव्स थी, तो खाना रूट्स में से ऊपर जा रहा था, जा तो फ्लोइंग के थ्रू ही रहा था, राइट? तो लिखो, व्हाई ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल। लिखो ये पॉइंट्स, क्वेश्चन ऊपर लिखो, व्हाई ट्रांसपोर्ट या फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल। क्वेश्चन है, व्हाई फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल। और आप ये लिख सकते हो। तो अगर दो नंबर में आ जाए, पहले ये लिख लो, राइट डाउन फर्स्ट, तो जी हाँ बुखार ठीक है बेटा, एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस चैप्टर, विच वेस्कुलर टिश्यू इज रिमूव्ड इफ वी रिमूव बार्क। अगर हम ट्री की बार्क निकाल दें, तो कौन सा, जाइलम और फ्लोइंग, दो वेस्कुलर टिश्यूज है,
कौन सा वेस्कुलर टिश्यू रिमूव हो जाएगा? आपकी बुक में ये एक्सपेरिमेंट है. कैन एनीबडी टेल मी? रेज योर हैंड्स. पूरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बेटा आपकी बुक में. बेटा जाइलम जो होता है वो ट्री के बीच में है और फ्लोएम बाहर वाली साइड है. बार्क तो बाहर है. अगर हम बार्क रिमूव करते हैं तो कौन सा टिश्यू रिमूव होता है? फ्लोएम. बोलो जोर से बोलो बेटा, ढीले मत बैठो. विच टिश्यू इज रिमूव्ड? हाँ आंसर इज फ्लोइंग. ठीक है, ये तो आपको पता चल गया. अब क्या है कि ट्री है, ये इसकी बार थी. दिस इज द रीजन, दिस इज द पार्ट वेयर रिंग ऑफ बार्क बार्क इज रिमूव्ड. पूरी ये ट्री में से एक रिंग जो बार्क है, एक रिंग थी, वो पूरी रिंग के फॉर्म में वो रिमूव कर दी. चलो कोई बात नहीं, बट व्हाट हैपेंस, कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि यहां पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है. पहले ये बनाना, पहले ये डायग्राम बनाना जिसकी रिमूव हुई है. फिर राइट डाउन After few days, swelling in the region which is above part From where bark is removed. जल्दी से अब आपने मुझे बताना है. ये सोचने वाला ही क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. यू हैव टू थिंक. अपनी आपने सिर्फ एक कॉमन सेंस यूज करनी है एंड देन यू हैव टू टेल मी कि व्हाई देयर इज स्वेलिंग इन दिस रीजन. कोई बताए क्यों स्वेलिंग हो गई? स्वेलिंग किस कारण हो जाती है बेटा? हमारे हाथों में पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स में से, ब्लड में से पानी निकल के बाहर जाता है और वो वहां पे इकट्ठा हो जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है. किसी भी चीज के इकट्ठे होने से स्वेलिंग होती है. यहां पे स्वेलिंग क्यों हुई है एंड व्हाट इज द रीजन? यस, सेवंथ सी, सेवंथ सी प्राची, प्राची ठाकुर. आजा बेटा आजा, जल्दी से आओ फटाफट से, क्योंकि मैथ्स की क्लास होनी है आपकी. फटाफट से बताओ. डू यू नो द आंसर? अच्छा प्राची, मुझे ये बताओ, जोर से पहले गुड मॉर्निंग बोलो, देखें आवाज आ रही है. हाँ गुड मॉर्निंग मैम। आवाज तो आ रही है. अच्छा अब मुझे ये बताओ कि यहां से जब बार्क रिमूव हुई तो क्या रिमूव हुआ? जाइलम की फ्लोएम? फ्लोएम मैम फ्लोएम रिमूव हो गया. फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर की फूड. मैम फूड फूड तो टेल मी कि क्या यहां से फूड नीचे ट्रांसपोर्ट होगा कि नहीं होगा? मैम नो No, क्योंकि यहां पे क्या हो गया है, यहां पे फ्लोएम रिमूव हो गया है. अगर एक ट्यूब यहां से कट जाए तो वो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगी नीचे? राइट, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी.
तो क्या होगा, फूड कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? दैट्स यस व्हाई स्वेलिंग अकर्स हियर, राइट? ठीक है, समझ में ओके आई? मैम, ठीक है, ठीक बैठो है. बेटा, तो यहाँ पे लिखो, तो वॉइस स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड. वॉइस स्वेलिंग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन स्वोलन रीजन. समझ आपको आ गया? इज इट ओके? और यहाँ पे स्टार डाल के आपने एक और क्या पॉइंट लिखना है, दैट ट्रांसलोकेशन इसे पुश, पुल नहीं है, ट्रांसलोकेशन इज ए पुश एंड रिक्वायर्स एनर्जी. मैम से भेज एंड रिक्वायर्स एनर्जी. असेंट ऑफ सैप इज ड्यू टू पुल, वेयर एज ट्रांसलोकेशन इज ए पुश. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, इसमें से टेस्ट लें अगर हम, तो विल यू गेट फुल मार्क्स? ठीक है, तो ये अच्छा सा आज जाके, है ना, नेक्स्ट संडे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी टेस्ट की. आज आपने जाकर अगर आपको नहीं समझ में आया या कुछ पॉइंट्स में अगर आपको डाउट्स है, तो आप लेक्चर दोबारा विजिट कर सकते हैं. यूट्यूब पर आज की डेट देखेंगे आप, के एडुकॉन ई लर्निंग, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, के एडुकॉन ई लर्निंग. ठीक है, तो इस पे जाकर आप अपना लेक्चर दोबारा विजिट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि मैम ने कौन से बताए हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें से, और क्या आना. ठीक है, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू. एंड बस अब आपकी मैथ्स की क्लास विद इन 2 मिनट्स. सबट्रैक्शन, हाउ डू यू डू एडिशन? अगर हमें 1/2 प्लस 1/3/5 करना हो तो क्या करते हो? छोटे छोटे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. ओके, बी सेक्शन, गुरिंदर सिंह, प्लस करने के लिए हम कैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा? वी टेक एलसीएम. ओके, एलसीएम लेते हो, एलसीएम क्या आएगा 2 एंड 5 का? 10. यस, यहाँ पे क्या आएगा ऊपर? एक नंबर यहाँ आएगा और एक नंबर यहाँ आएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5. यू डेड 2 10 डिवाइडेड बाय 2, इट वॉज 5, सो यू डेड 5 into 1. वेरी गुड. अगले में क्या आना चाहिए? 2 3 6. एलसीएम सबको लेना आता है? ओके, वेरी गुड. सिट डाउन बेटा, बैठो. रेज योर हैंड हु नो एलसीएम कैसे लेना है. एलसीएम लेके ऊपर कैसे लिखते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. फिर आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता. काफी बच्चों को मैंने देखा है 8th क्लास में 9th क्लास में प्रॉब्लम आती है कि कैसे. वेरी गुड, हैंड्स डाउन बेटा, कि एलसीएम हम कैसे लें. जब आपने ये चीज गलत लिख दी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके जीरो हो जाता है. नथिंग, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर दैट. ऑल राइट, यू नो इट इन इन सबट्रैक्शन ऑल्सो यू डू लाइक दिस. नाउ लास्ट थिंग आई एम आस्किंग अबाउट रैशनल नंबर इज, डू यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन? ओके ओके, किसी को कोई डाउट है? रैशनल नंबर आपके बहुत तरह के होते हैं. एक तो होते हैं कि फ्रैक्शन होते हैं, कि आपके पास 3/5 आ गया, ठीक है, आपने रिप्रेजेंट किया था 6th क्लास में भी किया था.
अभी सेवेंथ में आप रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें आपके पास -4/5 भी आ रहा है, -4/6 भी आ रहा है, या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, और आपके पास इम्प्रॉपर नंबर भी आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, जो आपके जो है नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं। यही डिफरेंस है आपका सिक्स और सेवन्थ में, कि सेवन्थ में आपने एक तो नेगेटिव वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, सेकेंडली आपने उनको इम्प्रॉपर वाले नंबर को भी किया। सिक्स में ज्यादा हमारे प्रॉपर वाले यूज होते थे, पॉजिटिव नंबर। डू यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन एवरीबडी? आप प्लीज, दैट इज फाइन देन। चलो गुड, चलो विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर नाउ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरिया एंड पैरीमीटर। एरिया एंड पैरीमीटर, राइट ऑन द हेडिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज मॉड्यूल नहीं है आपके पास, तो जो जो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला की फॉर्म में और क्वेश्चन की फॉर्म में, छोटे छोटे एग्जाम्पल करेंगे, दैट ऑल यू हैव टू राइट डाउन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन व्हाट इज पैरिमीटर। चैप्टर से ही आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम जो फिगर्स पढ़ेंगे, चाहे स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की, उनके बारे में हमने एरिया की भी बात करनी है और पैरीमीटर की भी बात करनी है। ठीक है, राइट डाउन इजी फॉर्म में मैं आपको लिखाऊंगी ताकि याद रहे। पैरीमीटर इज इक्वल टू, पैरीमीटर व्हाट इज दैट? लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी आपके पास क्लोज्ड फिगर दी हुई है, उसकी कितनी भी साइड हो जाए, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 6 हो, डजंट मैटर, उनके साइड्स को जब आप प्लस कर लेते हो, पूरी की पूरी जो लेंथ होती है बाउंड्री की, उसको हम बोलते हैं पैरीमीटर। ठीक है, क्योंकि आपने असर्शन रीजन भी करने हैं, इसलिए आपको अलग अलग सेंटेंस की फॉर्म में इसका पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। और डिस्टेंस अराउंड बाउंड्री द बाउंड्री। ठीक है, मैंने आपको इसलिए लिखवाया है ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट आपकी लैंग्वेज चेंज करके आती है असर्शन रीजन में, या आप किसी कहीं पे पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल लेंथ हो या डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री हो, उसको हम बोलते हैं पैरीमीटर। एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमने कोई भी फिगर ड्रॉ की है, इसकी कोई शेप नहीं है, मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, चार साइडें मैंने ड्रॉ कर दी हैं। इट इट हैज नो नेम, सिंपल आपके पास एक क्लोज फिगर है जिसमें फोर साइड्स हैं, इनकी डायमेंशंस दी हुई हैं आपको। मान लो पहले इसका नाम लिख लो, ABCD। ओके, ये मान लो आपके पास 2 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। सपोज आपको ये दिया हुआ है, राइट डाउन पैरीमीटर ऑफ ABCD, पैरीमीटर ऑफ ABCD। हम ABCD खुद लिखना है, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है कि वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, हमने उसको जो नाम उसकी बाउंड्री पे लिखा हुआ था वर्टिसेस का, हमने लिख दिया ABCD। ठीक है, वी विल बी राइटिंग द फॉर्मूला, दैट इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, ये चारों को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा पैरीमीटर। कैलकुलेट करो, सबकी वैल्यू डालो, इट इज 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3। कैलकुलेट करो इसको,
यस यस ए सेक्शन आगे 16 16 व्हाट 16 क्या अकेला 16 सेंटीमीटर सेंटीमीटर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यूनिट लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में ध्यान देना बेटा कि बिना यूनिट के आप कुछ भी नहीं लिखोगे, चाहे आप पैरामीटर निकाल रहे हो चाहे आप एरिया निकाल रहे हो. टेक केयर. कोई भी आप क्वेश्चन करते हो उसमें आधा नंबर हमारा यूनिट का होता है. बिना यूनिट के अगर आप ओनली 16 लिखते हो इट हैज नो मीनिंग, क्योंकि आपको बेटा ये पैरामीटर की डेफिनेशन लिखवाई है कि ये एक टोटल लेंथ है. टोटल लेंथ का मतलब उसकी या तो यूनिट होगी मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी. लेंथ तो इसी में ही मेजर होती है ना, मीटर में होगी सेंटीमीटर में होगी मिलीमीटर में होगी. तो वो सारी जो लेंथ्स हैं उसी लेंथ में उसी सेम यूनिट में हमारा पैरामीटर भी आएगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ है. यहां से हम स्टार्ट हुए ठीक है, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां. चाहे हमने कोई रोप यूज की, चाहे हमने कोई स्टिक्स यूज की, वट एवर ठीक है. तो पूरी की पूरी एक हमने लंबी रोप ली, कितने सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, और उसको हमने इस शेप में कन्वर्ट कर दिया. तो इसलिए दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ. टेक केयर. मेजरमेंट आपको मीटर में दिए हैं तो आंसर मीटर में आएगा पेरीमीटर का, सेंटीमीटर में दिया है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा. ओके. जनरली मीटर और सेंटीमीटर यूज होता है पेरीमीटर में, ज्यादा छोटा नहीं यूज होता क्योंकि मिलीमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ठीक है. फिगर्स बनाने के लिए हम जनरली सेंटीमीटर और मीटर यूज करते हैं राइट. अब छोटे छोटे आपको जनरल फिगर का पता चल गया. नेक्स्ट लिखो जरा सेकंड पॉइंट, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हम साथ साथ में ये कंसेप्ट लिखेंगे, फॉर्मूलाज लिखेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे. एग्जाम्पल की फॉर्म में आप क्वेश्चन भी नोट डाउन करोगे. ओके. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. कोई भी आपको स्क्वायर दिया हुआ है उसकी हमने सारी साइड्स को प्लस कर लिया तो वो हमारे पास बन जाएगा पैरामीटर. ये चीज आपको पता है बट हम सेंटेंस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको एसर्शन रीजन में मुश्किल ना आए. सेम चीजें आप उसमें भी पढ़ोगे राइट. एग्जाम्पल लिखो इसका. कोई भी हमने स्क्वायर लिया. अब इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगी मैं आपको. ए बी सी डी. सपोज ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है. अगर आपको सारी साइड्स नहीं भी लिखी हुई फिगर में, अंडरस्टूड है ये स्क्वायर है सारी साइड्स उसकी इक्वल होंगी, ऑफ कोर्स होंगी, अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है आपने ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर ओनली वन साइड. मैं सिर्फ एक ही साइड पे लिखती हूँ यहाँ पे ताकि आपको खुद अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है कि सारी साइड्स को हम प्लस करने के लिए क्या लिखेंगे. 4 4 4 4. ओके. यू विल राइट ऑन योर ओन कि पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी. इस फिगर की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली इस फिगर की बात कर रहे हैं अभी हम, विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. जब आप प्लस कर रहे हो तो वहां पे यूनिट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ठीक है बेटा. फाइनल में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है. 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ठीक है. जल्दी से बता दो इसको. और फाइनल में जब पैरामीटर लिखना है तो उसका आंसर में यूनिट भी लिखना है. सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर. साथ में आपकी यूनिट भी आ गई. दिस इज द फाइनल आंसर. एंड इसका एक और फॉर्मूला है स्क्वायर का स्पेशली, वो है इसके साथ लिख लो, दैट इज 4 इंटू साइड. शॉर्टकट इसका मेथड है कि कोई भी साइड अगर हमें दी हुई है, अगर हमने 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है. इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ सो दैट आपको पता चल जाए कि हमने 4 कैसे यूज किया. सपोज आपके पास स्क्वायर ऐसा है जिसमें सारी साइड्स हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो फिर क्या करोगे आप. फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पैरीमीटर क्या होना चाहिए.
इंटू साइड दैट इज 4 × 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा, यहाँ पे स्टार लगा लो। जो आपकी फॉर्मूला की फॉर्म में लिखोगे कि स्क्वायर का पेरीमीटर हमेशा 4 × साइड होता है, क्योंकि सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, इसलिए स्पेशल केस है ये। किसी किसी बुक में आप पढ़ोगे इसको 4 × s, 4s पढ़ोगे, तो s का मतलब होता है साइड। ठीक है, तो स्क्वायर को आप शॉर्ट फॉर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी साइड आ जाएगी। हो सकता है आपको 16 सेंटीमीटर लेंथ दी हो सकता है 10 सेंटीमीटर दी हो, जो भी दी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड वन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप आपको पता है ऐसी होती है, दो साइड्स लॉन्ग होती हैं और दो साइड्स उसकी शॉर्ट होती हैं। दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज बी, दिस इज बी। ये तो पता होगा आपको, एवरीबडी नोज रेक्टेंगल की शेप। लंबी वाली साइड को हम स्मॉल एल लिखते हैं, जो छोटी वाली साइड्स होती हैं उसको स्मॉल बी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, दैट विल बी एल प्लस बी प्लस बी। टू लेंथ्स है हमारे पास और टू ब्रेड्स है, लिख लो यहाँ पे एल इज इक्वल टू लेंथ, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ब्रेड या फिर इसको बोलते हैं विड्थ, ये दो नाम आप पढ़ सकते हो उसमें क्वेश्चन में। हो सकता है विड्थ लिखा हो सकता है ब्रेड्थ लिखा हो, तो आपको बी की फॉर्म में उसको यूज करना है। ठीक है बेटा, इट्स फाइन। और इसका भी एक शॉर्टकट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है 2l + 2b, तो हम इसको 2 कॉमन ले सकते हैं। यू कैन राइट इट एज 2 times l + b। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। जो आप भाई, काफी बच्चों को ये चीज ना याद नहीं रहती है, वो यहाँ पे 2l + b की जगह 2l × b लिख देते हैं, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। तो प्लीज इसको इसी फॉर्म में याद रखो कि हमने पैरामीटर जब भी आएगा आपने चारों साइड को आपस में प्लस कर लेना। ये फॉर्मूला नहीं भी लिखना आ रहा, इट्स ओके, छोड़ दो उसको। क्वेश्चन तो ठीक करो कम से कम, है ना? ओके, एसर्शन रीजन में आएगा तो आप पहचान लोगे कि यस ये l + b 2l + b पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। लेकिन जब नहीं दिया हुआ एसेशन रीजन में, तो सामने लिखा होता है तो माइंड में इमीडिएट आ जाता है, बट जब क्वेश्चंस में यूज करना होता है तो सम टाइम ये फॉर्मूला माइंड में नहीं आता। तो गलत फॉर्मूला लिखने से बेटर है कि सीधा उनको सबको एस इस फॉर्म में लिख के प्लस कर दो, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। ओके, अपनी नॉलेज बस ये अप्लाई करनी है कि जितनी भी साइड्स हैं सबको प्लस किया और पैरामीटर आ गया। ओके, इसका एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल, पूरा क्वेश्चन है ये, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर, मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लूंगी, आपको आदत होनी चाहिए उनकी कैलकुलेशन की, 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। थ्री हंड्रेड मीटर एंड 500 मीटर रिस्पेक्टिवली
फाइंड इट्स पैरामीटर। अभी ये आपका बहुत कोई लार्ज एरिया की बात हो रही है, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल की नहीं बात हो रही, बड़े बड़े साइज की बात हो रही है, क्योंकि एक तो वो मीटर में है। सबसे पहले ये देखो, मीटर में ही डायमेंशन दी हुई है, तो आपका आंसर भी मीटर में आना चाहिए। ओके, एंड प्लीज टेक केयर, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि हमारी जो लेंथ है, पहला जो नाम है वो पहले वाले के नंबर से मैच करना चाहिए, और जो दूसरा वाला नाम है वो दूसरी वाली डायमेंशन से मैच करना चाहिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब हमारे पास ऑर्डर में होनी चाहिए चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एक क्वेश्चन में आप जनरली ये पढ़ोगे ये चीज, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हमें ये देखना है कि एल क्या चीज है, कहीं गलती से हम एल इज इक्वल टू 300 लिख दिया और बी को ये लिख दिया, तो आपका फॉर्मूला में कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो सकती है। तो आप इसको लिखो, एल इज इक्वल टू, एल आपको दिया हुआ है 500 मीटर, कैलकुलेट करो इसको, आपको आता है ये फॉर्मूला लगाओ, 300 मीटर, पेरीमीटर फाइंड आउट करो। थोड़ा एम सा 1600 मीटर 2L+B, 500+300। यस, अभी अभी तो एट प्रेजेंट फॉर्मूला आपके सामने है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला ना याद रहा बाद में, तो सबको प्लस भी कर सकते हो। यू नो, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, एवरीबॉडी नोज। अपने बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसलिए वी हैव टू डू एडिशन फर्स्ट, दैट इज 800, सो इट विल बी 1600 मीटर। टेक केयर, जो क्वेश्चन में हमें यूनिट दी थी, सेम यूनिट विल बी यूजिंग इन आंसर ऑल्सो। ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, इसमें पैरामीटर हमने निकाला है ना, लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी, पैरामीटर निकालने। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने सिक्स में भी किए थे सिक्स में, हाथ खड़े करो। यस, किए थे, अब आपको याद आ रहा होगा। अभी सेवेंथ में थोड़े से आपके क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएंगे, हैंड्स डाउन वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा ना आपको घुमा फिरा के आएगा। हाउ, एक और एग्जाम्पल लिखो इसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही, कि हो सकता है आपको पैरीमीटर गिवन है। राइट डाउन द क्वेश्चन, द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 मीटर, 100 मीटर, ये सेंटीमीटर में है, तो आप भी सेंटीमीटर में कर लो, 100 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, फाइंड इट्स ब्रेथ। जब भी क्वेश्चन में हमें पैरामीटर की बात आ रही है, चाहे वो गिवन है चाहे वो पूछ रहे हैं हमारे से, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ओनली। ओके, ये नहीं सोचना कि गिवन है तो अब क्या करें, कैसे निकालें, अपना फॉर्मूला लगाओ इसमें। आपको पता है पैरामीटर इज इक्वल टू, पैरामीटर रेक्टेंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू 2L+B। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो वहां पे, हर एक क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में फिर सोचने की जरूरत नहीं होती कि क्या किया था मैंने क्लास में या क्या याद किया था। ठीक है, द थिंग विच यू राइट अगेन एंड अगेन, उसको ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की। पैरामीटर इज 100, जो चीज गिवन है उसको लिखो, एल इज गिवन टू यू 35+B, वी हैव टू फाइंड आउट। अब आप सेवंथ में है तो थोड़े से ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन भी आ जाते हैं फाइंड आउट करने वाले।
जिन बच्चों ने निकाल लिए वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैं अभी पूछने वाली हूँ और बच्चों से भी। आई वॉन्ट टू सी किस किस को आता है ये। सी सेक्शन, अंशिका, मैम यस, ये बेटे आपने। हाँ मैम यस, जी बताओ कितना आ रहा है। मैम 50, फिफ्टी, 50 या 15? 15। 15, 15, यस 15 इज ऑल राइट। ओके सिट डाउन बेटा। और किसने की है, रेज़ योर हैंड। यस आगे से मेरे को, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। आगे से मुझे जो भी आंसर बताएगा यूनिट के साथ बताएगा, ठीक है। यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी 15 सेंटीमीटर। बी आपने निकाल लिया, बी इज इक्वल टू, पहले इसको आपने मल्टीप्लाई किया 70 प्लस 2 बी। आई एम डूइंग फॉर दोस चिल्ड्रन जिन्होंने नहीं किया है, दे शुड नो। फर्स्ट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर आपके पास 2 है तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यू नो इट। 2 को हमने 35 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 को हमने फिर 20 से भी मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमारे पास आया 70 प्लस 2 बी। एंड 2 बी इज इक्वल टू 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। एंड देन वी फाउंड बी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2, फिर आपका आया 15 एंड यू विल बी राइटिंग इट एज 15 सेंटीमीटर एज अ फाइनल आंसर। जब आपने फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेशन की, यहां पे वहां पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं भी लिखा साथ में, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फाइनल आंसर में सेंटीमीटर लिखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बार बार मैं आपको हर एक क्वेश्चन में ये बता रही हूं। टेक केयर। एक और पेरीमीटर का लिखो, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, फोर्थ या फिफ्थ, प्लीज राइट डाउन। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल सबको पता है, थ्री साइड्स होती हैं उसकी। ट्राइंगल बहुत तरह के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, राइट एंगल होता है, आइसोसेलेस होता है। नाम पढ़े हुए ना आपने सारे। और एक और ट्राइंगल रह गया जिसका मैंने नाम नहीं बोला, व्हाट इज दैट, बहुत बार आपने यूज किया है, इक्विलेटरल किया है ना आपने, राइट। तो आपका पैरिमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ईबी प्लस बीसी प्लस एसी, तीनों साइड को आप प्लस कर दोगे तो पैरिमीटर आ जाएगा, ठीक है। बट स्पेशल केस है आपका पैरिमीटर ऑफ, इसको ए पार्ट कर लो, पैरिमीटर ऑफ एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्राइंगल होता है, बाकी सबके लिए आप ये तीनों को प्लस करो, चाहे ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, आइसोसेलेस है, वॉट एवर स्केलिन है, सबके लिए वो यूज करो। इक्विलेटर के लिए आप यू कैन डू इन दिस वे, इट्स ओके, यू कैन डू ऑल द साइड्स को प्लस कर सकते हो, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। आपको पता है ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तीनों साइड को आपको प्लस करोगे, आप लिखोगे ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, तीनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय ए बी, जिसको हम बोलेंगे 3 इंटू साइड। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो इसका हमारा पैरामीटर होगा 3 इंटू साइड। कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसको सबको इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, इट्स ओके, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। ये चीज मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, आपके असर्शन रीजन में सेंटेंस फॉर्म में लिखा होता है, यू शुड नो कि इसका पिकुलियर फॉर्मूला जो है, पेट एक फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 3 इंटू साइड। असर्शन रीजन में इसको फॉल्स मत कर देना कभी ऐसा लिखा हो तो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पैरीमीटर ऑफ ऑफ अ पैरेललोग्राम।
नाम पढ़ा हुआ है आपने पैलेलोग्राम का? हैव यू हर्ड दिस नेम? रेज योर हैंड। ओके ओके गुड। ओके, कई बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। पैलेलोग्राम एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है आपका, जिसमें हम जो शेप होती है उसकी ऐसी होती है, इट इज लाइक दिस, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आमने सामने वाली ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और साथ में पैरेलल भी होगी। ठीक है, ये इसकी स्पेशल शेप होती है। पैरामीटर तो इसका सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फॉर्मूला है आपका। तो अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे ए बी सी डी, इट विल रिमेन एज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, वो तो सेम ही रहना है आपने, राइट? पैरामीटर का तो सेम ही रहना है आपके पास फॉर्मूला, बट इसमें ये ध्यान देना होगा कि हमारी अपोजिट साइड सेम है, तो अगर आपको एक भी साइड दी है तो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली साइड उसके सामने इक्वल होगी। ठीक है, चलो थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं पैरामीटर के। ट्रायंगल के करते हैं थोड़े से, और उसके बाद फिर एरिया करेंगे। ट्रायंगल आपने कंप्लीट कर लिया चैप्टर बेटा क्लास में? यस। ओके ओके, चलो राइट डाउन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो या फिर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में, रिलेटेड टू पैरामीटर ही है। आज हमने पैरामीटर डिस्कस किए तो सिर्फ पैरामीटर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फाइंड पैरामीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल, ट्राइंगल की पिक्चर आपको दी हुई है और उसकी डायमेंशंस दी हुई है, आपको उसका पैरामीटर निकालना है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है दीज साइंस आर गिवन टू यू, बताया कुछ नहीं है क्वेश्चन में कि कैसा ट्रायंगल है, कोई नेम नहीं बताया हुआ, बट इट इज गिवन कि दिस ट्रायंगल, दिस साइड इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंडिकेशन, ये जो आपको मार्किंग दी हुई है, डू यू नो? मीन्स ऑल आर इक्वल। ज्योमेट्री में आपको फिगर को रीड करना आना चाहिए कि जो जो निशान लगे हुए हैं फिगर में उसका मीनिंग क्या है। ऑटोमेटिकली आपको ये 12 सेंटीमीटर दिया, अपनी कॉमन सेंस लगानी है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपने खुद लिखना है उसको यहाँ पे कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अपनी खुद आपकी नॉलेज अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, तो आपने खुद उसके फर्स्ट लाइन में खुद मेंशन करना है कि मैंने देख लिया कि सारे साइन इक्वल हैं, तो इसलिए उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मूला लगा दो, पैरिमीटर इज इक्वल टू तो ए इंटू साइड। पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में, ज्योमेट्री के चैप्टर में, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई तो आपको फॉर्मूला के भी मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, तो फॉर्मूला लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज 36 सेंटीमीटर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं उनको अपनी नॉलेज से आपने अप्लाई करना है। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होज साइड्स आर 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. ऐसा हो सकता है कोई ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल हो? यस, हो सकता है. ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं सोचना, बस साइड्स को आपस में प्लस कर दो जल्दी से. दिस इज गिवन टू बी 7 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू बी 7 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर. सबको प्लस कर दो. ठीक है, ये नहीं सोचना कि हमें इसका तो फॉर्मूला बताया ही नहीं गया कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो उसका फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, आपने बस उसकी जनरल फॉर्मूला लगा देना. जनरल का मतलब जो सबके लिए अप्लाई होता है. ठीक है, चलो जल्दी से कर लो इसको. यस, आई कैन सी वन I'm है. done. ओके ओके गुड, इसको करने दो बेटा. यस ओके गुड. सो मैनी. बी सेक्शन फर्स्ट चाइल्ड उधर. हाँ जी, 23 सेंटीमीटर. वेरी गुड, ही स्पोक विद द यूनिट. आई वॉन्ट टू लिसन इन दिस वे ओनली. जब भी आप आंसर मुझे बताओगे, चाहे वो एरिया का हो चाहे पेरीमीटर का होगा, प्लीज टेल मी विद यूनिट. इट इज कमिंग आउट टू बी 23 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर के क्वेश्चंस में ये सब होने वाला है जो आज हमने किया है. ओके, कभी कभी आपको कॉस्ट पूछी जाएगी, उसमें हमारा यूनिटरी मेथड लगेगा, वो भी आपने 6 में पढ़ा हुआ है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे. चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम.